ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब बार बार के विचार आना, यह एक बीमारी होती है और बहुत तकलीफ देह बीमारी है। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। OCD जिसको कॉमनली कहा जाता है, यह 1% पॉपुलेशन को होता है, मतलब 100 में से एक व्यक्ति को होता है ऐसा दिखाई दिया है अलग अलग स्टडीज में। और हर साल 10 लाख लोगों को ये होता है ऐसा माना जाता है। इतना कॉमन है ये। होता किसको है? जो लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी है उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तिमत्व ही आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव है या ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, उनको होने के चांसेस ज़्यादा है। और वो पर्सनैलिटी कैसी है? वो पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि एकदम टॉप टिप रहना, नीट और क्लीन रखना, हर चीज़ ऑर्डरली होना, टाइम टू टाइम सब काम करना, ज़्यादा स्वच्छता होना, और एक ही चीज़ एक बार दिमाग में घुस गई तो बार बार वही चीज़ के बारे में सोचना, ये होती है ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। और फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो वो व्यक्ति को भी तकलीफ और आजू बाजू वाले लोगों को भी तकलीफ होती है, तो फिर उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें मेनली चार प्रकार के कौन से हैं? मेनली एक है क्लीनिंग और कंटेमिनेशन OCD। क्लीनिंग और कंटेमिनेशन OCD, इसका मतलब है कि बार बार स्वच्छता करने की इच्छा होना, बार बार स्वच्छता के विचार आना और स्वच्छता करना, कि हाथ गंदे हैं हाथ साफ करो, हाथ धो लो, या लैट्रिन से आ गए तो गंदे हो गए, या कपड़े गंदे हैं, या बाहर से कोई घर में आता है तो पैर धो के आओ, हाथ धो के आओ, 50 बार हाथ धोना, मतलब इस तरह के उनको कंटेमिनेशन OCD, जो बार बार धोने की और स्वच्छता की उनकी OCD है और उनको समाधान ही नहीं होता कितने भी बार किया तभी, यह क्लीनिंग और कंटेमिनेशन OCD। नंबर 2 है ऑर्डर सिमेट्री और काउंटिंग OCD। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ ऑर्डर में होना, उनको चलता ही नहीं बाकी, मतलब कार यहाँ तो यहीं होना है, चाबी वहाँ तो वहीं होना है, कपड़े वहीं तो वहीं होना है, स्पेसिफिक ऑर्डर में होना है, सिमेट्री में होना है, जैसा एक मोबाइल इधर है तो एक मोबाइल उधर रखना चाहिए, ऐसा टेढ़ा ताड़ा नहीं चलेगा। और काउंटिंग OCD मतलब गिनना हर बार, जैसा लैट्रिन से आया तो 3 बार हाथ धोना उसके सिवा जमता नहीं, या 5 बार हाथ धोना, 5 बार हाथ धोया तो वो 5 बार ऐसे 5 बार धोना मतलब 25 बार धोना तो समाधान होता है, या कोई भी चीज़ 3 बार करना, कोई भी चीज़ 5 बार करना, रिपीटेड वही वही विचार आना, तो होता है काउंटिंग और सिमेट्री OCD, ऐसा उसको कहा जाता है। नंबर 3 जो है वो है हार्मिंग OCD। हार्म OCD इसका मतलब ऐसा है कि बार बार विचार ऐसे आते हैं कि मैं किसी को हार्म करूंगा, किसी को जख्मी करूंगा, इजा पहुंचाऊंगा, मारूंगा, ऐसा हार्म OCD आता है, और फिर वो नहीं आना चाहिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहिए, इसलिए फिर रिचुअल्स आते हैं, है ना, रिचुअल्स। ऐसा कभी किसी को होता है कि मैं जाके किसी को मारूंगा, मतलब कार चला रहा है तो मैं किसी को ठोकूंगा कार से या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर वो विचार डालने के लिए वो फिर कार पीछे लाएगा, ओरिजिनल जगह पे जाएगा और वहाँ से वो सोचेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और फिर कार चलाएगा, कितना टाइम लगता है इसमें, बहुत ही। तो वो हार्म OCD है कि जिसमें हार्म करने का डर लगता है। अभी मेरे पास में एक लेडी आई थी, उसको हार्म OCD है कि भाई मैं मेरे बच्चे का गला दबा दूँगी, बच्चा 6 महीने का है, और बार बार वो विचार था कि मैं गला दबा दूँगी, मार दूँगी उसको, तो ये हार्म OCD होती है। और चौथी होती है होर्डिंग OCD। होर्डिंग OCD मतलब चीज़ें जमा करना और रखना, और उसका कंपल्शन कि भाई हमको मालूम है कि भाई मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, फिर कुछ नोट्स, फिर क्लोदिंग, कुछ गेम्स, बच्चों के खिलौने, ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है मगर वो जमा करके रखना है, ऑर्डरली रखना है, उनको बराबर संभालना है, और उनकी OCD उनको होती है। फिर एक होती है इसके साथ साथ 5वां रिलीजियस OCD, मतलब उनको लगता है कि भगवान कुछ तो भी कम ज़्यादा करेगा, और भगवान कुछ तो भी कम ज़्यादा करेगा या देवी कुछ तो भी कम ज़्यादा करेगी, देवी के लिए फिर बहुत बड़ी प्रार्थना करना, पूजा करना, 3-3, 4-4 घंटे पूजा करना, बार बार भगवान के बारे में नामस्मरण करना, नमस्ते करना भगवान को, मंदिर में जाना, कि उनको लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा इसके लिए मैंने भगवान की प्रार्थना करनी, रिलीजियस OCD। तो ऐसे 5 OCD बहुत कॉमनली हमको दिखाई देते हैं। इसके लिए इलाज है, मेडिसिन है, कॉग्निटिव थेरेपी, हिप्नोथेरेपी हम करते हैं, और ये ठीक हो सकता है, जितना जल्दी इलाज करेंगे उतना जल्दी अच्छा है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। आपको ऐसा लगता है कि OCD किसी को है आपके संपर्क में तो नीचे जो कॉन्टैक्ट दिया है वहाँ आप नाममात्र 158 रुपये शुल्क भर के हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, जो डॉक्टर फिर बाद में मेरे से कंसल्ट करेगा और आपको दवाई या ट्रीटमेंट के लिए बोल देगा।
थैंक यू वेरी मच।